नाले के ऊपर जो स्लैब पड़े हुए उसका सरिया बेच के नशे का, उसका लेके गटर के टक्कर। ये मैं बुरा अखबार में तो बुरा नहीं मानिएगा, हर आदमी की ड्यूटी है उसको रखना, पैंट लगा वो जो था ना, हर आदमी की ड्यूटी है कि वो देखिए सर ये है कोई कचरा फेंक दे सर। कहाँ है ये आपका? ये है सर रेड वाला, बहरिया में लोग जाते अपने। हाँ बहरिया ने बहुत कमाल किया सर उस आदमी ने, मैं कभी मिला नहीं उससे, लेकिन ही डिड वंडरफुल जॉब, उसने राह दिखाई है सर। लेकिन अपना माल बना के भाग गया। नहीं वो तो वहाँ मौजूद है सर, भागा नहीं, नहीं सर वो माल बना के भाग गया से मतलब उसने ऐसा माल बनाया कि बहरिया में रहने वाला सर पकड़ के रोता है। हाँ ये सुना है कि उसने कुछ उसने जो टैक्सेस लगाए हैं, टैक्सेस लगाए मेंटेनेंस फीस है, मेंटेनेंस फीस, फिर आप कुछ अल्टरनेट नहीं कर सकते, अल्टरेशन नहीं कर सकते, वही का आदमी आएगा, स्कूल भी वहीं पे सीवरेज के पानी की। हमारा जो है ना ये मेंटेनेंस फीस हमारी भी है, ये हमारा क्लब हाउस है, इसमें हम छोटी छोटी फंक्शन करते हैं, अपने पूरा रूम है इसके अंदर 100 लोग बैठ सकते हैं, 70-80 लोग, अंदर टेबलें हैं, सब कुछ है, किचन है, बाथरूम है, ये हमारा पार्किंग है, ये हमारा टेनिस कोर्ट है, ये सामने स्विमिंग पूल है, वो सामने ओए ओए वो स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पे उतर के देखना हमें, बास्केटबॉल है उधर, वो सारे वो उन्होंने वो इक्विपमेंट लगाए, वो जो है ये छोटी सी लाल सा डब्बा नजर आ रहा है, ये लाइब्रेरी वो जो बनाई है मैंने, उतर के देखना चाहे तो सही। ये अभी देखे अपना इन्होंने इलेक्ट्रिकल वो लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी के लिए, गाड़ी के लिए, वेरी गुड, क्या बात हुई, क्योंकि गेम हो रहा है इसलिए ऐसे पार्किंग। आपके टाउन का क्या नाम है उसमें से? माउंट ऑलिव टाउनशिप फ्लैंडर्स। अच्छा फ्लैंडर्स की, चलो पार्किंग नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, ये इधर भी है, इधर भी है, दोनों है, पार्किंग का मसला नहीं है। गंदगी ना करें, सफाई आधा ईमान हमारा है, अपनाया इन्होंने। ये फ्री लाइब्रेरी, यहाँ से किताबें ले, फ्री लाइब्रेरी है, इसमें से आप किताब ले सकते हैं, किताब पढ़ने के लिए ले जा सकते, पढ़ के फिर रख दे, फिर लाके फिर वापस लाके रख भी सकते हैं। नहीं अपना नाजमाबाद में कोई एक है, अच्छा, जो डिप्टी कमिश्नर है, अच्छा, उसने एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई है सर, ये दे, ये लेना बिल्कुल, वो तो फ्री लाइब्रेरी, फ्री लाइब्रेरी वन आप ले जा सकते हैं, छोटे अभी कराची में भी ये सिलसिला शुरू हुआ है नाजमाबाद। हाँ ये बताएंगे, यारी भाई ने बताया ये बैग जो है इसके लिए, अब हम लोग होते ना तो लोग निकाल निकाल के इसमें अपना सामान रख रहे होते। यहाँ ले लो आप, कोई बड़ी जबरदस्त जगह है मगर यहाँ कॉस्टली बहुत हो गए यहाँ का ना। हाँ आप झूले थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा तुम्हारा लेता हूँ ना, सीन लेता हूँ। क्या बात है, जी जी, अच्छा ये रबर उसको लगे ही नहीं, रबड़ है एक तरह से ना, क्या बात है ना। आरिफ उस्मानी साहब और आफ्ताब झूला झूल रहे हैं। वाह कैसा है यार, वाह वाह, नहीं हाँ अगर जो कहे वो पागल है। Mm-hmm.
ये पैसे सही दे रहे हैं यहाँ टाउन पैसे लेते हैं तो ये खर्चा भी करते हैं यहाँ पे देखे ना सारा ना सर ये देखे हाँ, यानी सब चीजें जो है आप इसमें बैठे हैं आप तब इसमें देखिए कितना अच्छा है ना वर्जिश करें बैठ के बैठा हाँ देखो ये बच्चों की तरह करो ना ये बच्चा कितना तेज कर रहा है बच्चा बड़ा ये देखो ये है ये है आप करें हाँ मजा जी फ्लैंडर्स इनका इलाका है फ्लैंडर्स पार्क फ्लैंडर्स पार्क हाँ ये देखिए खास हाँ माशाल्लाह अल्लाह आप घर जाओगे तो हमारी बहन कहेगी कि कैसे हो गए चप्पल न्यू जर्सी में आए हैं हमारी न्यू जर्सी की हर दिल अजीज शख्सियत आरिफ अफजल उस्मानी साहब बहुत ही मशहूर शख्सियत है यहाँ माशाल्लाह अपना एक अखबार भी एशियन ट्रिब्यून निकालते हैं 20-25 साल से भी ज़्यादा अरसा ही पूछ लेंगे और एक बहुत मकबूल यहाँ का जो है इनका चैनल है ATTV एशियन ट्रिब्यून डिजिटल TV इनका है जो पाकिस्तानियों में तो बहुत मशहूर है बल्कि देसियों में इंडियन और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ के मकामी लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं बड़ी खिदमत है हमारे कराची से बिलोंग करते हैं और यहाँ माशाल्लाह अपने के अभी जो है आपने कैसे जहन बना इस तरफ आने का और अभी आपका चैनल क्या कर रहा है और मुस्तकबिल में क्या इरादा है आपका देखिए पाकिस्तान का जो हमारा ये चैनल है एशिया ट्रिब्यून पिछले 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो IPTVs हैं जादू और इस किस्म के जितने भी बॉक्सेस हैं उन पे चल रहा है और भी साथ साथ YouTube पे भी हैं YouTube पे तो अब हम अब आए हैं क्योंकि सब लोगों ने अब आना शुरू किया है तो हमने भी YouTube पे अपने प्रोग्राम डालने शुरू कर दिए वरना इससे पहले हम YouTube पे नहीं थे और IPTV ख़ासतौर पे जादू इसका पायनियर है और दुनिया के तकरीबन 186 कंट्रीज़ में जादू चलता है जहाँ इंटरनेट स्ट्रांग होगा वहाँ जादू चलता है और उस पर लोग तमाम किस्म के चैनल्स मौजूद हैं तो बहरहाल हम उस पर काम कर रहे हैं और हमने जितने यहाँ पे लोकल प्रोग्राम प्रोड्यूस किए हैं मैं नहीं समझता किसी और ने किए थे लेकिन वक्त के साथ साथ बहरहाल तब्दीलियाँ होती रहती हैं और भी इदारे अब आ गए हैं और भी TVs आ गए हैं और काम कर रहे हैं अपना यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह करते थे हार्ड कॉपी होती थी अब हमने क्योंकि डिजिटल एरा आ गया है सोशल मीडिया का एरा है तो अब हमने माशाल्लाह यहाँ असल में रोजनामा आप निकाल रहे हैं अमेरिका में और उर्दू हमारा अखबार जो इंग्लिश हाँ, इसको आप कह सकते हैं तो ये बड़ी बात है तो कैसे कवर कर लेते हैं यहाँ पे तो इतने इसको डेली ये कहेंगे कि फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन ऑनलाइन डेली है ये ऑनलाइन है और बात ये कि एक अकेले आदमी का काम नहीं होता टीम वर्क होता है और पिछले 15 साल से अखबार निकल रहा है
और मेरी टीम जो है वो पेशावर में मौजूद है, हमारे मैनेजिंग एडिटर है एहतिशाम और बहुत से अवैस हैं वहाँ पे, काफ़ी लोग हैं जो ये काम करते हैं और मैं सिर्फ उसको फाइनली देखता हूँ और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन पर नज़र रखनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से, आप ये 3 साल से तकरीबन तीसरा साल चल रहा है अखबार को। उस्मानी साहब, आपने सहाफत में स्पोर्ट्स में भी आपने बहुत नाम है और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि आपने अमेरिका में पाकिस्तान के जो टॉप स्टार जो स्पोर्ट्स मैन है उनके लिए बाकायदा टूर्नामेंट कराया, अरेंज किया है यहाँ अमेरिका में न्यूजर्सी में। हाँ देखिए, मेरा आगाज़ जो हुआ था ना रेडियो पाकिस्तान से हुआ था और वो था स्टूडेंट प्रोग्राम, बस में तलबा, उसमें मैंने 2-3 साल काम किया, फिर मैं ऐसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी उसमें मैं रहा, लेकिन उसके बाद मैं अकील अशरफ हमारे प्रोड्यूसर होते थे, अब यहाँ ह्यूस्टन में ही होते हैं, बहुत ही शहजाद अकील अशरफ गोरकानी, तो वो हमारे प्रोड्यूसर थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, उन्होंने कहा ठीक है, बस में तलबा छोड़ना होगा, मैंने भी इस तरह स्पोर्ट्स की दुनिया में चला गया। तो मैं उनका असिस्टेंट हुआ करता था, कई साल ये काम किया, फिर बाद में एक दिन खबर लगी प्रोग्राम बंद हो रहा है, तो ये बड़ी दुख की खबर थी कि एकदम प्रोग्राम बंद हो रहा है, लेकिन पता लगा कि उसकी जगह एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो आलमी नशरियाती राबते पर यानी नेशनल कप का प्रोग्राम होगा और उसे अजीम सरवर करेंगे। अजीम सरवर रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी आवाज़, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। अजीम भाई से जितनी मोहब्बतें मिली, जितना हमने सीखा, वो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं हासिल कर सकता जितना उनके करीब रह के हमने हासिल किया। तो फिर वो आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप जो चला वो सालों चलता रहा, उसके प्रोड्यूसर चेंज होते रहे, और जब मैं अमेरिका आया हूँ 89 और 90 में, तो उस वक्त मैंने अपना इसको अपना प्रोग्राम को फिर खुदा हाफिज़ कहा था, क्योंकि मैं जब यहाँ अमेरिका आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत से काम किए, अब तक मेरी 6 किताबें भी आ चुकी हैं जिसमें 3 और 4 स्पोर्ट्स में हैं। और हाँ, यहाँ पे क्रिकेट कराने का ख्याल आया था, बहुत बड़ा इवेंट था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अमेरिका की हिस्ट्री में पहला क्रिकेट इवेंट जिसमें दुनिया के बड़े प्लेयर्स आए, और पहला इवेंट इस हवाले से कि वो लाइव ऑन एयर गया। क्या बात है, इससे पहले कभी कोई इवेंट दुनिया की 52 कंट्रीज़ में लाइव नहीं किया था, वो जी टी वी ने ऑन किया था, जी टी वी ने। तो इस हवाले से वो बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि माली तौर पर बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का पायनियर हूँ कि मेरी कंपनी ने, स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड कंपनी का नाम था, और उसके तहत हमने ये इवेंट किया था, बहुत बड़ा इवेंट था, और अब तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उस जैसा इवेंट अभी तक नहीं हुआ, और बार अल्लाह करे कि आगे कुछ और सिलसिला चलता रहे। उमर शरीफ जैसे लीजेंड के लिए भी आपने किताब लिखी माशाल्लाह, और उसकी तकरीब आपने कराची में जिमखाना में की, और यहाँ भी अमेरिका में भी इसकी तकरीब आपने की है, तो माशाल्लाह अब ये सिलसिला मजीद भी आर्टिस्टों के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए या बिग पर्सनैलिटी के लिए कर रहे हैं आप, कोई और मजीद किताबें लिख रहे हैं? देखें, उमर शरीफ किताबें लिखना, लिखने का एक अमल जो होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, और दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ काम हम करते रहें। पाकिस्तान से जब यहाँ आर्टिस्ट आते हैं तो बहुत गुर्बत रहती है, उठना बैठना रहता है, अभी जैसे आफ्ताब आलम साहब आए हुए हैं, ये भी हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा था कि उमर शरीफ जब यहाँ आए तो उमर शरीफ के साथ काफ़ी अच्छी मुलाकात रही यहाँ पर, और जो उनसे गुफ्तगू हुई उसने मुझे इस तरफ डाला कि मैं उमर शरीफ के हवाले से ये बातें कुछ जमा करूँ। तो बहरहाल वो फिर उनसे उस तरह से ताउन नहीं हो सका, उमर भाई भी बिज़ी रहे, तो फिर मैंने कहा चलें उमर शरीफ के हवाले से हम उनकी ज़िंदगी में उनको एक तोहफ़ा दें और बताएं कि हमें तुमसे प्यार है, आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और उस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा दुनिया भर के आर्टिस्टों और शख्सियात के तासुरात जमा किए, जिमखाना में उसकी तकरीब हुई, उमर शरीफ खुद आए, बल्कि शबीर साहब आप तो खुद मौजूद थे उसमें मेरे साथ, और बल्कि बहुत ही दिलचस्प बात है कि उमर शरीफ ने रात को 12 बजे फ़ोन किया कि मुझे मिलना है आपसे, कल तकरीब के अंदर अगर आना है तो मुझे आके बात बताएं सारी, तो आप भी फिर मुझे लेकर गए, हालांकि मैं रहता तो उनके बिल्कुल पड़ोस में ही था गुलिस्तान जौहर में कराची में, लेकिन बहरहाल और उनसे गुफ्तगू रही और बहुत अच्छी तकरीब हुई, यहाँ न्यू जर्सी में भी हुई, बाद शहरों ने और भी कहा कि हम तकरीब करना चाहते हैं, लेकिन बार मुझे अफसोस ये होता है कि किताब ख़रीद कर पढ़ने का लोगों को रुझान नहीं है, बल्कि किताब पढ़ने का ही रुझान नहीं हुआ, तो ये अब सिलसिला ये होना चाहिए कि किताबें हम तोहफे में दें और किताबों के काम को बार जारी उसारी रखें, मुख्तसरन यही कहूँगा मैं। ये इतना बड़ा अदबी आपका मकसद मैगज़ीन निकल रहा है जौहर के नाम से, और माशाल्लाह अदब में इसका बहुत बड़ा नाम है, और तो अभी ये
जारी है तो इसको कैसे मकसद है कि कर पा रहे हैं आप? नहीं देखें, बात यह है कि हम तो यहाँ बैठ के पाकिस्तान से दूर बहुत दूर, मैंने एक जुमला लिखा था, फासले मोहब्बतों को जन्म देते हैं, और हम पाकिस्तान से दूर बहुत दूर आके बैठे हुए हैं। हमारे अंदर पाकिस्तान बहुत बोलता है, बहुत हंसता है, बहुत गाता है, बहुत रोता है। जब हालात जैसे हम देखते हैं तो वो फिर तकलीफ तो होती है। बहरहाल हम चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से हम कोई ना कोई काम करते रहें। तो ये अदब से, हम अदब के तालिबे इल्म हैं, हमारा ताल्लुक है इससे, तो मैंने कहा कि हम ऐसा मैगज़ीन भी करें। तो ये जौहर, जनाब जौहर सईदी के नाम पर हमने निकाला था, हमारे उस्तादों में शामिल थे, बुज़ुर्ग शायर थे, अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत करे। तो इस मैगज़ीन को शुरू किया था, लेकिन कुछ तजुर्बात अच्छे नहीं रहे, जो टीम वहाँ पर काम कर रही थी। बहरहाल अभी भी, अब इसको वक्त पे तो नहीं निकल रहा, लेकिन हम चाहते हैं कभी ना कभी इसको हम इस किताबी सिलसिले को जारी रखें। प्रोफेसर सलीम मुगल इसकी आजकल टेक केयर करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट इशारा, नेक्स्ट शुमारा इंशाल्लाह जल्दी आएगा। दे रहे बनाने में लग